हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेज अकेडमी। सभी प्यारे साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल जेज अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, भारत की सीमाएं, भारत के छोर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये इस प्रकार से दिया जाता है कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु या फिर छोर या फिर सीमा कौन सी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किस राज्य में है। ठीक है, तीसरी पॉइंट हमारा ये आता है कि इसका अन्य नाम क्या है इस छोर या पॉइंट का। तो ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद मैप के साथ। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने लोग भी क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक बार क्लास को अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस छोटी क्लास के माध्यम से भारत के जो भी छोर या फिर किनारे या फिर सीमाएँ हैं सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पर। तो देखते हैं, ये रहा हमारी इंडिया का मैप। ठीक है, सभी लोगों को दिख रहा है, क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए, अब आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि जो भारत में छोर हैं या फिर किनारे हैं तो कितने भागों में हम इसे डिवाइड करते हैं, चार भागों में। दिशाएँ कितनी होती हैं हमारी, चार दिशाएँ होती हैं। जैसे कि ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पूर्व हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया। ठीक है, चारों दिशाएं हमारी हो गई, बट दिशाएं जो हमारी मूल रूप से होती हैं वो चार दिशाएं होती हैं। अगर टोटली दिशाओं की बात करें तो आठ दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो मूल दिशाएं हमारी कितनी हो गई, चार दिशाएं होंगी। अब ये हो गया भारत का पूर्वी बिंदु, ये हो गया भारत का दक्षिणी बिंदु, ये हो गया उत्तरी बिंदु, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब जान लेते हैं कि इन बिंदुओं के नाम क्या क्या रखे गए हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट यहीं से प्रारंभ होता है। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा सबसे पहला है कि उत्तर में जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। याद रखना है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल है। याद किस प्रकार से इस पॉइंट को रखोगे, तो देखिए, इंदिरा कॉल, जब हमें कॉल करनी होती है किसी से और हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं, तो हमें कहाँ जाना होता है, छत पर जाना होता है, यानी सबसे ऊपर जाना होता है। और जब सबसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर क्या होगी, हमारी कॉल लग जाएगी। तो क्या होगा, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि सबसे ऊँचाई पर है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम दक्षिण में। दक्षिण में कौन सा बिंदु है हमारा, तो उसका नाम देखिए, दक्षिण में बिंदु है इंदिरा पॉइंट। सिर्फ हमें ये बात याद रखनी है, ये हमारा पॉइंट है और ये हमारा क्या है, कॉल है। ठीक है, उत्तर में कॉल करेंगे, दक्षिण में पॉइंट ऑफ व्यूज पर पहुंच जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है, क्या इंदिरा पॉइंट को एक ही नाम से जानते हैं या फिर इसके अन्य नाम भी हैं। तो एक बात अवश्य याद रखना, इंदिरा कॉल को हम लोग सिर्फ इंदिरा कॉल के नाम से याद रखते हैं, बट जो हमारा इंदिरा पॉइंट है इसके कई नाम हैं। जैसे कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। क्या है, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट है। क्या इसका अन्य नाम भी है, तो बिल्कुल है, इसको कहते हैं पार्शन बिंदु। क्या बोलते हैं, पार्शन बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट मिल सकता है, पिगमिलियन पॉइंट दिया गया होगा, और पार्शन बिंदु ये नाम भी है दक्षिणी बिंदु का। ठीक है, चलिए अब हम लोग पूर्व में चलते हैं। पूर्व में किस नाम से जानते हैं, तो पूर्व में भी दो नाम हैं। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है तो वो कौन सा है, किवथू, या फिर इसी का दूसरा नाम है, क्या है, वालांगू। याद रखना,
किवथु भी बोल सकते हैं, और उसी बिंदु का दूसरा नाम है बालांगू। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। पूर्व में दो नाम है, उत्तर में एक नाम है, दक्षिण में तीन नामों से जाना जाता है ये बिंदु। अब बात कर लेते हैं पश्चिम की। तो पश्चिम में जिस प्रकार से उत्तर में दो बिंदु हैं, उसी प्रकार से हमारे पश्चिम में दो बिंदु हैं, पूर्व में जिस प्रकार से हैं। तो देखिए, पश्चिम में दो बिंदु कौन कौन से हैं? पश्चिम में है सर क्रीक, या फिर बोलते हैं गौर माथा। क्या बोलते हैं? गौर माथा या फिर सर क्रीक बोलते हैं। ये तो देखिए बात हो गई सिर्फ नाम की, कि पूर्व में क्या नाम है पूर्वी बिंदु का, पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, और दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है। बट हमारी समस्या यहीं सॉल्व नहीं होती है, हमें ये भी जानना है, क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बिंदु किस राज्य या फिर किस स्टेट में है भारत के। तो चलिए उत्तर दिशा से प्रारंभ करते हैं। जो हमारा इंदिरा कौल ये बिंदु है, सबसे इजी क्वेश्चन हमारा यहीं से आएगा। बताइए, अगर कोई हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, ये किस राज्य में है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेट है? ये है हमारा जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो इंदिरा कौल जो हमारा है, ये जम्मू कश्मीर में है। अब आ जाइए दक्षिण में। दक्षिण में हमारा कौन सा बिंदु है जहाँ पर ये हमें इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन बिंदु मिलेंगे? तो उत्तर दक्षिण में हमारा एक यहाँ पर द्वीप पड़ता है, जिसको बोलते हैं अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये तीनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप में है, जो कि हमारा एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कैपिटल क्या है अंडमान निकोबार की? तो पोर्ट ब्लेयर है, याद रखना है सभी को। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग पूर्वी बिंदु पर। जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवथु या बालांगू, तो ये भारत के किस स्टेट में है? तो स्टेट हमारा हो जाएगा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब बात आती है, सभी लोग बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? जो हमारे भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। क्या है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल? है ईटानगर। ये राजधानी है किसकी? है अरुणाचल प्रदेश की है। तो अगर कभी क्वेश्चन दिया जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में है भारत के, तो अरुणाचल प्रदेश में है, और इसकी कैपिटल ईटानगर हो जाएगी। चलिए अब आ जाइए हम लोग, ये हो गया हमारा पूर्वी राज्य, अब आते हैं पश्चिमी राज्य में। तो देखिए भारत का सबसे पश्चिमी राज्य यहाँ पर कौन सा है? गुजरात है, सभी लोग जानते हैं। कौन सा राज्य है? गुजरात है। अब देखिए गुजरात राज्य की कैपिटल या फिर राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चलिए अब देख लीजिए, गांधीनगर तो ये कैपिटल हो गई। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक या गौर माता है? क्वेश्चन अगर ये आता है कि भारत के किस राज्य में है, तो राज्य हमने आपको बता रखा है कौन सा है? गुजरात राज्य है, और इस गुजरात राज्य की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो गांधीनगर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को कन्फर्म हुआ। चलिए अब एक पॉइंट और इसमें जान लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा ये आता है कि उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार कितना है भारत का, और पूर्व से पश्चिम में कितना है। ठीक है, चलिए
अब देख लीजिए इसमें जो हमारा उत्तर से दक्षिण में विस्तार है भारत का, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। अगर इस लंबाई की बात करते हैं, ये हमारी लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, याद रखना। तो ये कितनी है? ये है 2933। कितनी है? 2933। और ये सारी हमारी किलोमीटर में रहेगी। ठीक है, किस में रहेगी? किलोमीटर में। तो भारत की जो ये लंबाई है ये कितनी है? 3214 किलोमीटर। चौड़ाई है 2933। याद रखना, ये अधिक है क्योंकि ये लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई भारत की जो है नक्शे में ये कम दी गई है, इसलिए हमारा ये पॉइंट कम रहेगा, ये अधिक रहेगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब देखिए, ये सीमाएं हम लोग जान चुके हैं, बट क्या होता है, सीमा से एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अभी और छूटा हुआ है। उस क्वेश्चन का नाम है, देखिए क्या कहेंगे, कि मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया जाता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताइए। एक बात याद रखना, यहाँ पर हमने जो आपको ये पॉइंट बताया है, कौन सा? अंडमान निकोबार। तो देखिए, भारत की दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, मुख्य भूमि हमारी यहाँ तक है, बट जो हमारा दक्षिणतम पॉइंट है ये हमारा अंडमान निकोबार यहाँ तक फैला हुआ है, तो दक्षिणतम पॉइंट यहाँ तक माना गया है, लेकिन मुख्य भूमि की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग बताइए। तो दक्षिणतम भाग क्या होगा? दक्षिणतम भाग है हमारा कन्याकुमारी। कौन सा पॉइंट है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? कन्याकुमारी। अगर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि कन्याकुमारी ये बिंदु किस राज्य में है, तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है, और तमिलनाडु ये हमारा यहाँ पड़ता है और कन्याकुमारी यहीं पड़ता है। ठीक है, आपने कभी सुना होगा, कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो जम्मू कश्मीर ये मुख्य भूमि का उत्तरतम भाग है, कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब देख लीजिए क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से बन सकते हैं इस एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो इंदिरा पॉइंट है, पिगमिलियन पॉइंट है, पार्शन बिंदु है। ठीक है, अब देख लीजिए, पूर्वी बिंदु हमारा किवथू या बालांगू है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर हो जाएगी। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक या गौरमाता है, गुजरात राज्य में है और कैपिटल गांधीनगर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य हमारा हो जाएगा गुजरात। भारत में जो राज्य है सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। अगर सबसे छोटी तटरेखा की बात आती है तो हम लोग लगाएंगे गोवा। गोवा सिर्फ 9 किलोमीटर सीमा साझा करता है और जो हमारा गुजरात है ये 1216 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत की तटरेखा से संबंध। ठीक है,